कांग्रेस सरकार का एक साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की एक वर्ष की कारगुजारी व गारंटियों को लेकर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदा के बाद कांग्रेस किस बात का जश्न मना रही है। उन्होंने हिमाचल चुनाव में छत्तीसगढ़ के घोटाले से फंडिंग करने का भी आरोप लगाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि तीन राज्यों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। इनमें दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, इन राज्यों में कांग्रेस ने झूठी गारंटियों का प्रचार किया। छत्तीसगढ़ में कोयला, गोबर घोटाला, महादेव ऐप घोटाला हुआ। जयराम ठाकुर ने कहा कि घोटालों के पैसे से फंडिंग हिमाचल के चुनावों में हुई है, यह जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया है। तीन राज्यों के नतीजों से स्पष्ट है कि 2024 में बीजेपी के कार्यकाल के दूसरे दशक की शुरुआत होगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में जश्न को लेकर रखी कांग्रेस विधायक दल की बैठक मातम में बदल गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि तबाही के दौर में जश्न किस बात का होगा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के आने की बात कही जा रही है, ऐसे में अगर उनमें लज्जा होगी तो वे नहीं आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की बात है चाहे दूसरे प्रदेशों की बात कहे, जहां इतने बड़े स्कैम हुए, कोयला घोटाला वहां पर हुआ, शराब घोटाला वहां पर हुआ, गोबर घोटाला वहां पर हुआ, और महादेव ऐप का जो घोटाला जो जिसका मैंने जिक्र किया 508, इस तमाम घोटाले के बावजूद भी उसको उस मॉडल को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं। और उसी प्रकार से अगर राजस्थान में हम गए तो राजस्थान में आपने देखा होगा लाल डायरी का जिक्र हुआ। आप गूगल पर टाइप करेंगे लाल डायरी तो लाल डायरी का जिक्र होते हुए लाल डायरी में एक मंत्री उनके मंत्रिमंडल में हुआ करते थे राजस्थान कांग्रेस की सरकार के दौरान, जिसने सारे घोटाले का जिक्र उसमें किया हुआ, पैसों का जिक्र किया हुआ, क्या क्या सारी चीजें, उन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री को उनको मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा और हटाने के बाद उनने उनका खुलासा किया है। और राजस्थान में 19 पेपर लीक हुए, ये बहुत बड़ा मुद्दा था वहां पर। और उसी तरह से मैं अगर मध्य प्रदेश में गया तो वहां पर हमने इस बात को देखा कि कोई भी इस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर नहीं था। लाडली बहना योजना का इतना इंपैक्ट था लोगों के बीच में, और मुझे लगता है कि उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने के लिए। और इसी तरह से बात आती है, अगर तेलंगाना की अगर बात कहें, हम तेलंगाना में गए, वहां पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको लेकर के बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहां पर हुआ है, और वहां पर बाप बेटी उसके बाद उनके रिलेशन के सारे परिवार के लोग जिस प्रकार से प्रदेश को लूट रहे थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। और यही कारण रहे कि जिन दो राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी वहां कांग्रेस पार्टी को लोगों ने उखाड़ फेंका, तेलंगाना में केसीआर की सरकार को उखाड़ फेंका, और जहां ठीक प्रकार से काम हुआ मध्य प्रदेश में, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 18 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी फिर 5 वर्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया और शानदार जीत दिलाई। अगर सही मायने में अगर बात कहूं तो मैं एक बात कह सकता हूं कि मोदी जी का करिश्मा, मोदी जी की गारंटी, जिसमें गारंटी को पूरा करने की गारंटी,